वेलकम गाइज टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों बहुत दिन के बाद हम और आप मिल रहे हैं। क्षमा चाहूँगा, पहले तो मैं काफ़ी दिन के बाद मैं आपको ब्लॉग दे पा रहा हूँ। इसका मेन कारण था यार, मेरे एग्ज़ाम थे, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था और उसी की तैयारी में मैं व्यस्त था। तो एक महीना पूरा मैं एक भी ब्लॉग की शूटिंग नहीं कर पाया, ना एक भी ब्लॉग बना पाया। रेगुलरली पढ़ना और फिर एग्ज़ाम देना, यही चलता रहा पूरे एक महीने। दोस्तों आज का पारा बहुत ज़्यादा हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। सो इसीलिए मैं बगीचे में थोड़ा घूम रहा हूँ, बहुत ही कम कपड़े पहनकर, ताकि गर्मी ना लगे। और इस मेरा छोटा सा बगीचा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर मंथ कम से कम 3000 रुपये सब्जियों का बच जाता है, क्योंकि मार्केट से सब्जियाँ नहीं आती और पूरे बगीचे की ही सब्जियाँ उगाते हैं और खाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे बगीचे में अभी लगी क्या हुई है, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था मैंने कि प्लांट ग्रो हो रहे हैं, अभी ग्रो भी हो चुके हैं और फल भी आ चुके हैं। सो आपको पूरे मैं बगीचे का ओवरव्यू दिखाता हूँ, कैसे 3000 रुपये पर मंथ बच जाते हैं छोटे से बगीचे से, सब्जियों का पूरी आपूर्ति यहाँ से हो जाती। तक की बचत बड़े आराम से कर देता है। हमारा छोटा सा बगीचा बड़े फायदे की चीज है। एंड उसी के साथ साथ भैंस के लिए दोस्तों ये लगा हुआ है, जिसको हम चरी कहते हैं, और पूरे बगीचे में चरी चरी समय लगा हुआ है। तो ये आम दिखाई दे रहे हैं और ये आम आए हुए हैं। कैमरा इतना अच्छा नहीं है दोस्तों फोन का, तो हो सकता है इतना अच्छा ना दिखाई दे रहा हो, बट आम दिख रहे हैं इस पेड़ पे। एक और प्लांट मैंने लगाया हुआ था, बहुत ही अच्छा था, बट ये क्या हो गया, ये भी गर्मी में बिल्कुल सूखने लगा। तो हमने इसके भी चारों तरफ ये बना दिया है, इसमें पानी भरते हैं रोज़ाना, और ये अभी दोबारा ग्रो होना स्टार्ट हो गया। ये देख रहे हैं सामने एक और प्लांट है, केले का ही प्लांट है, लेकिन ये भी बिल्कुल सूखने की कगार पर था। इसको भी पानी देना पड़ा गर्मियों में, वरना ये भी सूख जाता। और गाइस ये नींबू है, नींबू के पत्ते क्या हुए थे दोस्तों, एकदम सिकुड़ से गए थे और जगह जगह से सूख गए थे। आप देख रहे हैं हल्का ऐसे सूखना स्टार्ट कर दिया था, तो हमने इसको भी गड्ढा बना के पानी भरना स्टार्ट कर दिया। अब ये सही है और इसमें एक दो फल भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ये मीठे वाले नींबू हैं। और चलते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा कटिया खंदर दिया जाए, ताकि भैंस का चारा जो है रेडी कर देते हैं नादा उसका, और खंदर के फिर आता हूँ मैं, नादा साफ़ वगैरह करते हैं। तो हरे चारे का काम पूरा हो चुका है, नादा भी हमने साफ़ कर दिया। अब इसमें दोबारा पानी डालेंगे एंड दोबारा इसमें नया चारा डालेंगे। और इसमें एक भैंस बांधते हैं हम, आपने कई सारी वीडियो में देखा है,
और इसमें दो उसके बच्चे। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के साथ बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक दोस्तों बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर, शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार।